الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग यूनिट 15 में एक्सरसाइज 15.1 कंप्लीट हो चुकी है हमारी, और 15.2 स्टार्ट करने से पहले कुछ टॉपिक्स हम कवर करेंगे. दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझना है, क्योंकि इम्तिहान में ये सब एक्सरसाइज के सवाल नहीं है, एक्सरसाइज के सवाल नहीं है, टॉपिक्स है. और टॉपिक्स जो है हमारे पास, ये क्वेश्चन बनकर आता है पेपर में. ठीक है, तो टॉपिक देख लेते हैं हम. वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स 45 डिग्री, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री. ठीक है, हमें इन रेशियोज की वैल्यूज निकालनी है. कौन कौन से एंगल्स की? 45 डिग्री, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री. तो वन बाय वन हम इनकी वैल्यूज को देखेंगे. सबसे पहले हम देख रहे हैं, टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल मेजर 45 डिग्री. ठीक है, 45 डिग्री के हम जो रेशियोज हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, कौन कौन से? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा. टोटल कितने थे हमारे पास? 6 रेशियोज थे. तो अब हमारे पास थीटा की जगह जो एंगल होगा वो कौन सा होगा? 45 डिग्री. तो अब साइन 45 डिग्रीज की हमें वैल्यू निकालनी है, इसी तरह कॉस 45 की, टैन 45 की, कॉसेक 45 की, सेक 45 एंड कॉट 45 डिग्री की हमें वैल्यूज निकालनी है. तो हम इसका तरीकेकार देखते हैं, किस तरीके से हम लोगों ने काम करना है. ठीक है, तो हम एक कंसिडर कर रहे हैं राइट एंगल ए बी सी विद द राइट एंगल एफ सी एंड मेजरमेंट एंगल बी 45 डिग्री. ठीक है, आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल नजर आ रहा है, जो क्या है? ए बी सी. एंगल बी पे एंगल मेंशन है 45 डिग्री. तो जाहिर सी बात है, 45 डिग्री आपको बोल रहा है उसके रेशियोज निकालने हैं, तो ये गिवन एंगल हो गया. आपको पता है सी में हमारे पास कौन सा एंगल बन रहा है? राइट एंगल ट्राइंगल. मीन्स ये कौन सा है? 90 डिग्री का एंगल है. सही. नाउ स्टूडेंट्स, हमारे पता है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो आपको ये पता है कि सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? 180 डिग्री. ठीक है, तो ये 45 है, ये 90 डिग्री है. तो इट मीन्स इन राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास एक जो है एंगल की जो साइड है वो कितने डिग्री की होती है? फिक्स 90 डिग्री की फिक्स होती है. ठीक, बाकी जो दो एंगल्स हैं, एक 90 डिग्री का हो गया, तो बाकी जो दो एंगल्स हैं वो क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट एंगल होंगे. इट मीन्स ये 45 डिग्री है, तो ए एंगल ए हमारे पास क्या निकलेगा वो हम आगे देखते हैं किस तरीके से. एज वी नो दैट इन अ राइट एंगल ट्राइंगल एक्यूट एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर. ठीक है, हमें पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल में एक साइड 90 डिग्री की फिक्स है, तो बाकी जो दो एंगल्स हैं वो क्या है? एक्यूट एंगल होंगे. ठीक है, और एक्यूट एंगल क्या होंगे? एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होंगे. जैसे 45 है, तो उसका रिमेनिंग एंगल हम देखते हैं 45 क्या निकलेगा यहाँ पर. ठीक है, एंगल ए क्या निकलेगा? किस तरीके से? हमें पता है कि मेजरमेंट एंगल ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री. ये दोनों एंगल्स का जो सम है वो किसके बराबर होगा? 90 डिग्री के बराबर होगा. तो मेजरमेंट एंगल ए हमें निकालना है, बी की वैल्यू 45 डिग्री है. ठीक है, और यहाँ पर इज इक्वल टू 90 है, तो आपको पता है ए की वैल्यू निकालनी है, तो प्लस का है तो जाकर माइनस का हो जाएगा. तो 90 माइनस 45 डिग्री इज इक्वल टू 45 डिग्री. तो इट मीन्स हमारे पास इसका रिजल्ट क्या आ गया? 45 डिग्री आ गया. ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें दोबारा से अपनी बात रिपीट कर रही हूँ यहाँ पर, कि हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें एक साइड 90 डिग्री की फिक्स है. ठीक, तो बाकी दो एंगल्स क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट होंगे. अब वो कोई से भी हो सकते हैं, अगर आपको गिवन एंगल के अकॉर्डिंग हमें दूसरा एंगल निकालना होगा. हमें एंगल भी 45 डिग्री था, तो उसका रिजल्ट भी 45 आया. इट मीन्स ये दोनों एंगल्स क्या हैं? इक्वल हैं. तो आप लोगों ने एक, अगर आपको रिमेम्बर करें तो आपको ये बात रिकॉल करें अपने जहन में, नाउ स्टूडेंट्स हम यहाँ पे देख सकते हैं एक ट्राइंगल है. देखिए, हमें रूल पता है, आपको पता है कि जब किसी ट्राइंगल की दो साइड्स बराबर होती हैं, अकॉर्डिंग टू साइड्स भी हम लोगों ने थ्री तरह के ट्राइंगल्स पढ़े. कौन कौन से? स्केलन ट्राइंगल, आइसोसेलीज ट्राइंगल और इक्विलेटरल ट्राइंगल. आपको ये पता होना चाहिए बात, जिसमें दो साइड्स बराबर होती हैं किसी ट्राइंगल की, तो उसे हम क्या कहते हैं? आइसोसेलीज ट्राइंगल. और जिस ट्राइंगल की तीनों साइड्स बराबर होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल. जब दो साइड्स किसी ट्राइंगल की बराबर होती हैं, तो उसके अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं. तो हम अपनी फिगर को रिकॉल कर लेते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास 45 डिग्री है, 45
45 डिग्री है, तो दो एंगल्स बराबर है, इट मींस इनके अपोजिट साइड्स भी क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, अब स्टेटमेंट में देख लेते हैं। वी नो दैट इफ मेजर ऑफ एनी टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल देन द मेजर्स ऑफ द साइड्स अपोजिट टू देम आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है, जब दो एंगल्स बराबर होंगे तो उनके अपोजिट साइड्स भी क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, तो अब इसको हम इसमें देख लेते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में कि मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल्स टू मेजरमेंट एंगल बी इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। दोनों एंगल्स बराबर थे, अब उनके अपोजिट साइड हमारे पास क्या है, बी सी। ठीक है, बी सी हो गई यहाँ पर, मेजरमेंट बी सी इज इक्वल्स टू मेजरमेंट ए सी के बराबर हो गई। ये बात क्लियर हो गई आपको। अब बी सी हमारे पास क्या आती है, बेस थी, और ए सी का नाम क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर है, तो बेस और परपेंडिकुलर भी बराबर हो गए। इट मीन्स कि ए इज इक्वल्स टू बी, हमारे पास जो साइड के नाम है वो स्मॉल ए और स्मॉल बी से डिनोट है, तो हमने कह दिया कि ए की वैल्यू किसके बराबर हो गई, बी के बराबर हो गई। तो ये बात याद रखने की है, जब 45 डिग्री का एंगल हमारे पास गिवन होगा तो ये बात कंफर्म है कि हमारे पास दूसरा एंगल भी 45 डिग्री होगा, तो दोनों इक्वल एंगल हो जाएंगे तो उनके अपोजिट एंगल्स एंगल्स भी बराबर होंगे, तो उनके अपोजिट साइड्स भी बराबर होगी, तो इट मींस बेस और परपेंडिकुलर क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि हमारे पास जो ए की वैल्यू है वो हमें क्या मिल गई, यहाँ पर बी मिल गई। ठीक है, ये बात क्लियर है, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या मिल गई, बी मिल गई। ये भी बी में है, ये भी है, अब मुझे सी की वैल्यू भी निकालनी है। ठीक है, इसकी वैल्यू बी मिल गई, ये ऑलरेडी बी था, अब मुझे हाइपोटेन्यूज जो सी है उसकी वैल्यू भी निकालनी है इन टर्म ऑफ बी, ताकि मैं इनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इजीली निकाल सकूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आगे का प्रोसेस देखते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, तो हमें वैल्यू निकालनी है सी की। ठीक है, तो सी की वैल्यू निकालने के लिए ये बात आपको याद रखनी है, जो ए बी और सी हमारे पास क्या है, साइड्स हैं। ठीक है, तो हमने बी तो ऑलरेडी मौजूद है, अब ए की वैल्यू क्या हो गई, बी। अब जाहिर सी बात है मुझे सी की वैल्यू निकालनी है, तीनों चीज़ें क्या है, साइड्स हैं। तो साइड्स को हम जब निकालते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, तो हम क्या यूज़ करते हैं, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हम साइड्स पे काम करते हैं। तो हमें पता है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूस क्या होता है, सी स्क्वायर स्मॉल सी। ठीक है, बेस हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर, डन। हमें सी की वैल्यू निकालनी थी, सी स्क्वायर एज इट इज रहा। अब हमें पता है यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, बी है। ठीक है, ए की वैल्यू क्या है, बी है, तो स्क्वायर हमारे पास फॉर्मूले का है, तो हम ए की जगह क्या पुट कर देंगे, बी स्क्वायर आ गया और ये बी स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे सी स्क्वायर इक्वल टू किसके इक्वल हो गया, टू बी स्क्वायर के। अब हमारे पास यहाँ पे भी देखिए ए है, यहाँ बी है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या नजर आ रहा है, सी स्क्वायर, लेकिन हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, सी की। तो आपको पता है कि स्क्वायर को रिमूव करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, वी टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू बी स्क्वायर। ठीक है, तो सी की वैल्यू क्या हो गई, अब जाहिर सी बात है बी के ऊपर स्क्वायर है और टू के ऊपर स्क्वायर नहीं है, तो ये रेडिकल के अंदर ही रहेगा और बी की वैल्यू हमारे पास बाहर आ जाएगी। ठीक, तो क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो रेडिकल टू हमारे पास अंदर ही रहेगा क्योंकि इसका स्क्वायर रूट नहीं होता, और बी के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल और बी की वैल्यू बाहर आ गई। तो इट मीन सी की वैल्यू क्या मिल गई मुझे, यहाँ पर बी रेडिकल टू। क्लियर, अब हमारे पास तीनों साइड्स आप देख सकते हैं इन टर्म ऑफ वेरिएबल बी में आ गई, ये भी बी में आ गई, ये भी बी में है और ये भी बी में है। तो नाउ अब हमारे पास सारी वैल्यूज मौजूद है, हम क्या निकालेंगे अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, कौन कौन से होते हैं, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक एंड कॉट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम साइन निकालते हैं, साइन 45 डिग्री। ठीक है, एंगल हमारे पास 45 डिग्री का, तो हम 45 डिग्री लिखेंगे, तो साइन 45 डिग्री का पता है हमें रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, बी, और हमारे पास हाइपोटेन्यूस क्या है, सी होता है, तो बी की जगह हमने बी पुट कर दिया। ये डायरेक्टली आप लोग काम कर सकते हैं, चलो ऐसे करते हैं। ठीक है, बी की वैल्यू बी पुट करिए और सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, बी रेडिकल टू, तो बी से बी कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया, वन रेडिकल टू।
हियर, फिर हम करेंगे कॉस 45 डिग्री। तो कॉस का पता रेशो आपको क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस क्या है हमारे पास, ए, हाइपोटेन्यूस क्या है, सी। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, बी, और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू क्या है, बी रेडिकल 2। बी से बी कैंसिल, बी 1 रेडिकल 2। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ फॉर टैन, टैन 45 डिग्री हम निकालेंगे। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर क्या है, ए, और नीचे बेस क्या है, सॉरी परपेंडिकुलर बी है और बेस क्या है, ए है। तो बी की वैल्यू बी और ए की वैल्यू भी बी है, कैंसिल, रिजल्ट इज 1। नाउ फॉर कॉट, अब कॉट आपको पता है कि रेसिप्रोकल आपको याद है, तो आप इजीली काम कर सकते हैं, अदरवाइज आपको उसका रेशियो याद करने पड़ेंगे। अब आपको पता है टैन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट, तो आप इधर से रेसिप्रोकल कर लें, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ए अपॉन बी हो जाएगा, और इधर बी, ए की वैल्यू बी है, तो ठीक है बी पुट कर दी और बी अपनी जगह पे रहा, रिजल्ट इज 1। इससे हम क्या निकालेंगे, सेक 45 डिग्री, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, ठीक है, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस इट मींस सी अपॉन ए, और सी की वैल्यू है रेडिकल, बी रेडिकल 2 और अपॉन बी, बी से बी कैंसिल, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, रेडिकल 2। इसी तरह हम क्या निकालेंगे, कॉसेक, कॉसेक 45 डिग्री, आपको पता है इसका रिलेशनशिप क्या होगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस सी है हमारे पास, परपेंडिकुलर हमारे पास बी है, तो सी की वैल्यू बी, बी रेडिकल 2 है और ये बी है इंटरम ऑफ, तो बी कैंसिल, तो हमारे पास इधर भी रेडिकल 2। तो हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गए, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने फाइंड आउट कर लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमने अपना जो टॉपिक था वो कवर कर लिया, तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल मेजर 45 डिग्री। इसी तरह हमें नेक्स्ट टॉपिक में 30 डिग्री, फिर 60 डिग्री के भी निकालने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप लोगों ने इसके जो वैल्यूज हैं, साइन 45 डिग्री 1 अपॉन रेडिकल 2, कॉस 45 1 अपॉन रेडिकल 2, टैन 45 डिग्री 1, कॉट 45 डिग्री 1, सेक 45 डिग्री रेडिकल 2 एंड कॉसेक 45 डिग्री रेडिकल 2, ये हमें वैल्यूज याद करनी होंगी। टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल मेजर 30 डिग्री, आज हमारे क्लास के 30 डिग्री के जो 6 रेशियोज हैं वो निकालना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उसको निकालने से पहले हम एक टॉपिक पर जो है हमारे पास उसको डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपको इजीली चीज समझ में आ जाएगी। तो हमारे पास बेसिकली आपको पता है कि जिस ये ट्राइंगल्स अकॉर्डिंग टू साइड्स, जब हमारे पास 3 साइड्स इक्वल होती हैं तो कौन सा ट्राइंगल होता है, यस, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इट मीन्स जब 3 साइड्स बराबर हैं तो उसके 3 एंगल्स भी क्या होंगे, बराबर होंगे। इट मीन्स 60 डिग्री, ईच एंगल इज 60 डिग्री, ये 60 प्लस 60 प्लस 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो टोटल सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है। तो जब तीनों साइड्स बराबर हैं तो तीनों एंगल्स भी बराबर होंगे, तो इट मीन्स ये कौन सा ट्राइंगल हो गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो आप इधर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको फिगर एंगल ए 60 डिग्री नजर आ रहा है, एंगल बी भी 60 नजर आ रहा है और एंगल सी भी 60 डिग्री नजर आ रहा है। अब इधर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे मैंने जो साइड्स हैं वो 2x नाम दिया है, ठीक है। इट मीन्स 2x 2x और 2x ये भी सारी चीज़ें बराबर हैं, तीनों साइड्स भी बराबर हैं। अब अगर हम इस फिगर को, ठीक है, अगर आप इस फिगर को देखें, यहाँ पे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है, क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। जब मुझे राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है इस फिगर को, तो मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। जब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो इट मीन्स एक बाइसेक्टर ड्रॉ किया, तो इट मीन्स उसने यहाँ से ए पॉइंट से एक बाइसेक्टर ड्रॉ किया, तो वो कौन सी लाइन पे गिर रहा है, बी सी पे आ रहा है। जो बाइसेक्टर है इट मीन्स उसने बी सी वाली लाइन जो साइड थी उसको डिवाइड कर दिया इन टू पार्ट्स, ठीक। तो हमारे पास यहाँ पे एक नाम दे देते हैं बाइसेक्टर का, ए डी, ठीक है। मैंने यहाँ क्या नाम दे दिया, ए डी। ए डी एक बाइसेक्टर है, किसको बाइसेक्ट कर रहा है, उसने कौन सी लाइन को बाइसेक्ट किया, बी सी वाली लाइन को बाइसेक्ट कर दिया।
तो जो 2x वाली साइड सी वो दो हिस्सों में ब्रेक हो गई, इधर भी x आ गया और इधर भी x आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, जाहिर सी बात है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल बन गया? ए डी बी। कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल बन गया? ए डी बी। इस तरह दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा बन गया? ए डी सी। तो ये दो राइट एंगल ट्राइंगल बन गए हमारे पास। क्लियर है यहाँ पर हमारे पास बात आपको? ठीक है, तो हमारे पास एक ए डी बाइसेक्टर था जिसने बी सी वाली साइड को दो हिस्सों में ब्रेक कर दिया। ठीक है, एक हमारे पास एक्स हो गई, दूसरी वाली भी एक्स हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको क्लियर है? अब इस फिगर को मैं थोड़ा सा सेपरेट करके ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक, तो यहाँ पे मेरे पास जो एंगल ए था वो 30 डिग्री का था, तो मैंने वो यहाँ पे नाम 30 डिग्री लिख दिया। एंगल बी था वो 60 डिग्री का था, उसको हम मैंशन नहीं कर रहे क्योंकि हमें 30 डिग्री के रेशियोज निकालने हैं। और यहाँ पे जो बाइसेक्टर था वो हमारे पास क्या था? डी। सही, देखें मुझे एंगल ए से निकालना, 30 डिग्री पे काम करना है, तो 30 डिग्री को मैं नीचे लेकर आ गई। सही, अब 60 डिग्री को तो नहीं निकालना, उसको छोड़ देता मैं जल्दी से। अब हमारे पास जो यहाँ पे डी एंगल है वो 90 डिग्री का है और ऑलरेडी यहाँ पे डी आपको राइट एंगल ट्राइंगल नजर आ रहा है। क्लियर है? अब हम इधर से देखते हैं इसकी अपोजिट साइड जो थी वो क्या थी? परपेंडिकुलर। जिसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं वो क्या है? एच से। तो देखें इसकी अपोजिट साइड जो क्या थी? परपेंडिकुलर। इसका नाम क्या देती मैंने यहाँ पर? एच से दिया। क्लियर है स्टूडेंट्स? और यहाँ पे जो 90 डिग्री की अपोजिट साइड होती है वो क्या होती है? हाइपोटेन्यूज होती है। ठीक, तो वो यहाँ पर आ गए 2x। इस फिगर से मैंने इस फिगर को सेपरेट कर दिया। ठीक है, मुझे एंगल का जो रेशियो निकालना है वो 30 डिग्री का निकालना है, तो मैंने 30 डिग्री वाले पार्ट को मैंने नीचे लिख दिया है। सही, जो एंगल ए पे नाम था 30 डिग्री पढ़ी है यहाँ पर। एंगल बी मुझे अभी जरूरत नहीं क्योंकि मुझे 30 डिग्री के रेशियो निकालने हैं, तो मैं सिर्फ उसको डिफाइन कर रही हूँ आपको, इसलिए मैंने इस बी को छोड़ दिया फिलहाल। सही, अब हमारे पास यहाँ पे जो डी था वो नीचे आ गया, 90 डिग्री का था, और उसके अपोजिट साइड हमारे पास हाइपोटेन्यूज होती है वो ऑलरेडी 2x यहाँ पर, और यहाँ पर 30 डिग्री के अपोजिट साइड हमारे पास परपेंडिकुलर रहती है, उसको मैंने x लिख दिया। अब इस कंडीशन के थ्रू हमें एक बात पता चल रही है कि जो हाइपोटेन्यूज है 2x, ठीक है, वो 2 times है किसके? परपेंडिकुलर के। तो हमें पता चल गया कि जो हाइपोटेन्यूज है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज है वो 2 times ऑफ क्या आ रहा है? परपेंडिकुलर आ रहा है। ऐसे ही जो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू बन रही है वो क्या बन रही है? 2 times ऑफ परपेंडिकुलर। देखिए परपेंडिकुलर एक्स है और यहाँ पे क्या आ रहा है? 2x। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे बाकी कि हाइपोटेन्यूज 2 times ऑफ परपेंडिकुलर किस तरीके से हुआ, मैंने आपको पूरा डिफाइन कर दिया यहाँ पर। सही स्टूडेंट्स, अब हम निकालेंगे अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल मेजर 30 डिग्री। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स हमने कंसिडर किया है राइट एंगल का एंगल ए बी सी। ठीक है, विद द राइट एंगल एट सी हमें पता है 90 डिग्री एंगल है वो सी पर है, एंड मेजरमेंट एंगल बी 30 डिग्री। अब हमें इसके रेशियो निकालना है, गिवन एंगल क्या है? 30 डिग्री। तो आपने यहाँ पे 30 डिग्री लिख दिया। वी नो दैट इन राइट एंगल ट्राइंगल एक्यूट एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर। ये बात मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि यहाँ पे एक 90 डिग्री एंगल मौजूद है, तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे? ये दोनों एंगल्स जब इन दोनों को ऐड करेंगे वो क्या होंगे? 90 डिग्री के बराबर होंगे। इट मीन्स कि कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर। सही, तो अब 30 डिग्री है तो एंगल ए निकालते हैं, वो क्या निकलेगा? ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ए की वैल्यू निकालनी है, बी हमने पुट कर दिया जो गिवन था 30 डिग्री। अब आपको पता है प्लस का 30 डिग्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस का। तो 90 - 30 इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो इट मीन्स मुझे ए की वैल्यू क्या मिल गई यहाँ पर? 60 डिग्री। सही है, हम राइट कर लेते हैं यहाँ पर एंगल जो ए है वो क्या निकल गया है? 60 डिग्री। अब सिंस इन द राइट एंगल ट्राइंगल विद मेजरमेंट एंगल बी 30 डिग्री, तो हमें बात पता है कि जब एंगल 30 डिग्री होता है तो ये कंडीशन हम पहले मैं आपको पूरा डिफाइन कर चुकी हूँ कि हाइपोटेन्यूज इज 2 times ऑफ परपेंडिकुलर। ये किस तरीके से आई थी वो इस फिगर के थ्रू मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि हाइपोटेन्यूज किस तरह से 2 times ऑफ परपेंडिकुलर होता। तो अब सिर्फ हम ये कंडीशन अप्लाई करेंगे, ये पूरा मैंने आपको बता चुकी हूँ किस तरीके से हाइपोटेन्यूज 2 times ऑफ परपेंडिकुलर होता था। ठीक है, जब भी एंगल 30 डिग्री गिवन आएगा हमारे पास तो हम ये कंडीशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, वी नो दैट कि हमें पता है कि जब एंगल 30 डिग्री होता है तो हाइपोटेन्यूज 2 times ऑफ परपेंडिकुलर हो जाता है। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास साइड सी है और 2 परपेंडिकुलर क्या है? बी है। तो हमने क्या कर दिया? सी इज इक्वल टू 2b। जैसे ही हमें सी की वैल्यू निकली हमारे पास 2b, तो हमने इस फिगर में पुट कर दी 2b। तो हमें पता चल गया बी परपेंडिकुलर बी में है और सी की वैल्यू भी 2b आ गई। अब हमारे पास जो साइड ए है वो भी
बाद में यहाँ से निकाल रही हूँ, ठीक है, ये निकालनी है मुझे, सही। ये फिगर में हमें वैल्यूज पुट करते जानी है ताकि हमारा काम आसान हो जाए। तो हमने निकाल दिया कि सी की वैल्यू क्या आ गई, टू बी आ गई। अब बाकी बच गया ए, तो ए को भी इन टर्म्स ऑफ बी में लेकर आना है, इट मीन्स इसकी वैल्यू को भी हमें इन टर्म्स ऑफ बी में लेकर आना है, ठीक। तो हम इसके लिए निकालेंगे, साइड है हमारे पास, ठीक है। तो साइड्स के लिए अकॉर्डिंग हम क्या काम करते हैं, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम हमें पता है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक। तो हमें पता है कि हाइपोटेनस किसके इक्वल होता है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये स्क्वायर फॉर्मूले के, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब हमें पता है कि सी की वैल्यू हमारे पास, अब हमें क्या निकालना है, ए की वैल्यू निकालनी है। तो जाहिर सी बात है पहले मैंने इस कंडीशन को मूव कर दिया, यहाँ पे प्लस का था बी, यहाँ पे आकर माइनस का हो गया, तो इट मीन सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अब इस कंडीशन पे हम वैल्यूज पुट करेंगे, कौन कौन सी, जो हमें सी की वैल्यू पता है कि क्या है, सी इज इक्वल टू टू बी पुट कर दिया हमने यहाँ पर, और बी स्क्वायर अपनी जगह पे रहा। अब टू का स्क्वायर क्या होता है, फोर, और बी स्क्वायर, नाउ फोर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री बी स्क्वायर, क्लियर है यहाँ तक। अब हमें पता है कि ए की वैल्यू निकालनी है, तो हमने स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड किया, क्योंकि हमें स्क्वायर नहीं चाहिए यहाँ पर, स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं हम, ठीक है। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, खाली ए बाहर आ गया। अब इधर देख सकते हैं थ्री है, तो रेडिकल से थ्री बाहर नहीं निकल सकता, लेकिन बी के ऊपर स्क्वायर तो ये बाहर आ गया। तो ए की वैल्यू भी क्या मिल गई मुझे, बी रेडिकल थ्री। तो हमें अगर राइट कर रही हूँ, ए की वैल्यू क्या मिल गई, बी रेडिकल थ्री। देख सकते हैं ये भी बी में इंटरम ऑफ बी है, ऑलरेडी बी है, और सी की वैल्यू भी टू बी है। तो हम अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपको मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बता रही हूँ, हमें साइन 30 डिग्री का रेशियो निकाल रहे हैं हम। पहले साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, फिगर में बी है और हाइपोटेनियस सी से शो हो रहा है। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, बी ही है, और सी की वैल्यू क्या है हमारे पास फिगर में, टू बी, हमने पुट कर दिया। अब बी वन सा बी, बी वन सा बी, तो अब हमारे पास बी से बी कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा वन और नीचे क्या बच गया टू। तो हमारे पास साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई, वन अपॉन टू। मैंने सिर्फ आपको साइन 30 डिग्री निकालना बताया है। अब इसी तरह जो बाकी रिमेनिंग रेशियोज हैं, कौन कौन से, कॉस 30 डिग्री, टैन 30 डिग्री, कॉसेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री एंड कॉट 30 डिग्री, ये सारे आप लोगों ने खुद निकालने हैं, दिस इज योर होमवर्क। अभी हमारे पास जो नेक्स्ट है, इसी तरह कॉस 60 डिग्री है, हम उस पर भी अभी काम कर रहे हैं और उसके रेशियोज भी आप खुद निकालेंगे। फ्रेंड्स, अब हम सॉल्व करेंगे टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल मेजर 60 डिग्री। इससे पहले हम लोग 30 डिग्री पे काम कर चुके हैं, मैंने सिर्फ आपको एक रेशियो बताया था निकाल के, बाकी रेशियोज आप लोगों ने खुद निकालना है, ठीक है। अब इसी तरह 60 डिग्री कब मैं डिफाइन कर रही हूँ, उसमें भी मैं आपको सिर्फ एक रेशियो बताऊंगी और आपने बाकी रेशियोज खुद ही निकालने होंगे, और वही आप लोगों का होमवर्क होगा, ठीक है। तो 30 डिग्री पे भी हमने पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल को डिस्कस किया था, ठीक है। दोबारा से हम इस चीज़ को देख लेते हैं कि जब हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया था, इट मीन्स उसके तीनों एंगल्स 60 डिग्री के थे, ठीक। तो हमारे पास, हमने पहले 30 डिग्री पे काम कर चुके हैं, अब इसी फिगर को लेके हम 60 डिग्री पे काम करेंगे। तो ठीक है, हमारे पास अब 60 डिग्री का एंगल है, इस फिगर को मैंने यहाँ से सेपरेट कर लिया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब देखिए 60 डिग्री मेरे पास यहाँ पे एंगल मेंशन है, देखिए यहाँ पे मैंने कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल लिया है, ए बी डी, ए बी डी। अब इसमें हाइपोटेनस साइड वाली 2x आ गई, और नीचे वाली साइड क्या हो जाएगी, जो एंगल के एडजेसेंट साइड है वो क्या हो जाएगी, बेस, क्लियर है यहाँ पर। ये बात आपको, पहले हम लोगों ने 30 डिग्री लेकर काम किया था, तो 30 डिग्री की अपोजिट साइड परपेंडिकुलर बन गई थी, अब 60 डिग्री ले रहे हैं तो उसकी एडजेसेंट साइड क्या बन जाएगी, बेस। तो अब इसमें हम क्या रिलेशनशिप बता सकते हैं, क्या रिलेशनशिप बन रहा है यहाँ पर, कि हाइपोटेनस जो है वो 2 times ऑफ बेस आ रहा है। देखिए यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है, 2x है, इट मीन्स आप देख सकते हैं कि हाइपोटेनस डबल है। तो हमारे पास क्या कंडीशन निकल आई, कि हाइपोटेनस 2 times ऑफ बेस। तो ये बात याद रखनी कि जब एंगल 60 डिग्री का होगा तो हाइपोटेनस 2 times ऑफ बेस होगा, और जब एंगल 30 डिग्री का होगा तो हाइपोटेनस 2 times ऑफ परपेंडिकुलर होगा। ये कंडीशन आप लोगों को एंगल वाइज याद रखनी है, ठीक है ना। फॉर अब हम इसकी काम करते हैं, किस तरह हम लोगों ने इसको रेशियोज को निकालना है। तो सेम वे आपकी चीज़ें, कंसिडर द राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी विद द राइट एंगल एट सी, मेजरमेंट एंगल बी 60 डिग्री। अब हम 60 डिग्री
देख रहे हैं ठीक है. वी नो दैट इन राइट एंगल ट्राइंगल एक्यूट एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर. एक बात हम पहले भी हर एंगल में पढ़ चुके हैं. तो आप इधर देख रहे हैं फिगर मैंने ड्रॉ की हुई है ठीक है. 60 डिग्री की अपोजिट साइड क्या है? परपेंडिकुलर. सही. तो अब हमारे पास पहले एंगल 60 डिग्री गिवन है तो हमें एंगल ए निकालना है फर्स्ट ऑफ ऑल. तो आपको खुद भी पता होना चाहिए कि यहाँ पे 60 डिग्री है तो यहाँ पे क्या बनेगा ठीक है. अब देख लेते हैं कि हमारे पास ए प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री हुआ. मेजरमेंट एंगल ए प्लस बी की वैल्यू गिवन थी 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. अब हमने क्या किया 90 माइनस 60 कर दिया तो रिजल्ट क्या आ गया 30 डिग्री. कॉम्प्लीमेंट का मतलब आपको एक बार समझ में आ गई कि इन दोनों का सम हमेशा 90 डिग्री बनेगा ठीक. तो 90 माइनस 60 इज इक्वल टू 30 आ गया रिजल्ट. डन. अब हमें क्या निकालना है? अब हमें पता है कि सिंस इन राइट एंगल ट्राइंगल विद मेजरमेंट एंगल बी इज 60 डिग्री. हमारे पास मेजरमेंट एंगल बी जो है वो 60 डिग्री है तो कंडीशन क्या थी हमारे पास? हाइपोटेन्यूज टू टाइम्स ऑफ बेस आ रहा था तो C इज इक्वल टू 2A हो गया. क्लियर है ये बात? अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं. A, B, C हमारे पास ऑलरेडी मेंशन थे तो हमारे पास अब C की वैल्यू इस कंडीशन अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन हमारे पास C की वैल्यू निकल आ गई है. क्या आ गई है? C इज इक्वल टू 2A. तो हम इधर पुट कर देंगे C इज इक्वल टू 2A. तो ये साइड भी हमारे पास इन टर्म ऑफ A है और ये वाली साइड भी इन टर्म ऑफ A हो गई. अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? पहले भी आपको बता चुकी हूँ, एक बार डिफाइन कर चुकी हूँ कि जब भी साइड्स पे काम करेंगे तो हमें क्या यूज करना है? पैथागोरस थ्योरम. तो ये वैल्यू ऑलरेडी 2a है, ये भी a है तो हमारे पास अब b की वैल्यू है तो उसे हमें निकालनी है. इट मीन्स उसे भी हम a की वैल्यू में लेकर आएंगे, टर्म ऑफ a में लेकर आएंगे. तो हमारे पास b की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या यूज किया? बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम. तो आपको स्टेटमेंट पता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. सी स्क्वायर हो जाएगा अगर इज इक्वल टू बेस की जगह ए आ गया ए स्क्वायर और परपेंडिकुलर की जगह बी आ गया बी स्क्वायर. डन. नाउ फॉर हमें बी की वैल्यू निकालनी है तो मैंने ए स्क्वायर का प्लस का था जगह माइनस का हो गया. तो ये कंडीशन आ गई सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर. यहाँ तक क्लियर है सबको? अब हमें इसके बाद वैल्यू पुट करनी है सी की जो हमें पता है कि यहाँ से हमने ली है सी इज इक्वल टू 2a. अब 2a पुट करी हमने स्क्वायर की जगह पे रहा माइनस का ए स्क्वायर तो 4a स्क्वायर हो गया माइनस का ए स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर. तो b स्क्वायर की वैल्यू क्या गई 3a स्क्वायर. लेकिन हमें खाली b चाहिए स्क्वायर को खत्म करना है तो नाउ वी टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड. नाउ स्टूडेंट्स वी टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड. तो हमने रेडिकल b स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट लगा b स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट लगा दिया और 3a स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट लगा दिया. अब हमें पता है कि स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है तो b बाहर आ गया लेकिन 3 के स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता इसलिए वो रेडिकल में रहा और a के ऊपर स्क्वायर है तो वो स्क्वायर रूट से बाहर आ गया. क्लियर है यहाँ पर? तो b की वैल्यू हमें क्या मिल गई? a रेडिकल 3. तो हम इस फिगर में पुट कर देते हैं. अब हमें पता है कि हमारे पास परपेंडिकुलर ए रेडिकल 3 हो गया, बेस ए है और हाइपोटेन्यूज सी इज इक्वल टू 2 ए है. क्लियर है? तो देखिए आप सारी वैल्यूज इन टर्म ऑफ ए आ गई. अब हम अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालेंगे. तो नाउ साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री निकाल रहे हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है? ए रेडिकल 3 और हाइपोटेन्यूज क्या था? 2 ए. तो ए से ए कैंसिल तो रेडिकल 3 अपॉन 2 बच गया हमारे पास. इसी तरह हम बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप खुद निकालेंगे cos, tan, cot, sec और cosec. तो ये आपका होमवर्क है. अपनी होमवर्क डायरी आप लोग देख लें. आप नाउ स्टूडेंट्स आप लोगों ने कंप्लीट करना है अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री. मैंने आपको एक एक निकाल के बताया है. आप लोगों ने बाकी रिमेनिंग रेशियोज खुद ही निकालने हैं. ये आपका आज का लेक्चर है. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. वमा अलैहि.